नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए क्लास 8 ईयरली एग्जाम टाइम टेबल लेकर आया हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो कक्षा 8 है कि वार्षिक एग्जाम का जो कार्यक्रम है वह किस प्रकार होना है। एमपी बोर्ड क्लास 8 है ईयरली एग्जाम टाइम टेबल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इस टाइम टेबल में कुछ विशेष बातें हैं। सबसे पहली बात, किस बार से जो एग्जाम होनी है वह गवर्नमेंट स्कूल के बोर्ड पैटर्न के आधार पर होनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस बार जो एग्जाम होना है वह पेपर के 60% होना है, अर्थात 100% कोर्स नहीं आना है, 60% कोर्स आना है। और उसी के आधार पर आपके पासिंग मार्क रहेगी, उसी के आधार पर आपके ऑब्जेक्ट आएंगे, उसी के आधार पर पूरा पेपर तैयार होगा। दूसरी खास बात है कि इस वर्ष का जो पेपर है वह 2.5 घंटे का है और आपका जो एग्जाम पर होना है वह सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 11:30 तक चलना है। पहला पेपर शुक्रवार को है 1 अप्रैल 2022 को और हिंदी विशिष्ट होना है, अर्थात आपका पहला पेपर हिंदी का है। दूसरा पेपर है सोमवार को 4 अप्रैल 2022 को, अंग्रेजी सामान्य होनी है, अर्थात दूसरा कौन सा है, इंग्लिश का। तीसरा पेपर है मंगलवार को 5 तारीख को, 5 अप्रैल 2022 को, विज्ञान का। अर्थात आप देख सकते हैं कि रेगुलर पेपर है, किसी भी दिन गैप नहीं है। फिर तीसरा पेपर मंगलवार को 5 तारीख को, विज्ञान का। चौथा पेपर बुधवार को 6 तारीख को, 6 अप्रैल 2022 को, गणित का। इसके बाद पांचवा पेपर है 7 अप्रैल 2022 को, संस्कृत का। छठवां पेपर है शुक्रवार को 8 अप्रैल 2022 को, सामाजिक विज्ञान का। किसका है, सामाजिक विज्ञान का। आपके पेपर यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगे। ये लास्ट पेपर बचेगा जो अन्य लिखित भाषा प्रयोग करते हैं, जो अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं तो उनका पेपर लास्ट में है, लेकिन अपने एमपी बोर्ड में अधिकांश गवर्नमेंट स्कूल में आपके 8 अप्रैल को ही एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर इसी तरह की क्लास 8 से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की जानकारी लेकर आता रहता हूँ जिससे आप तक इसकी जानकारी सबसे पहले पहुँच सके। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।